अमृतसर जेल दे विचों रिहा हुए गुरदीप सिंह खेड़ा दी पैरोल दे उत्ते बाहर आए ने 6 फरवरी उन्होंने पैरोल दी गई सी 2 महीने की यह पैरोल है। हुण ये खबर है कौमी इंसाफ मोर्चे दे नाल किस तरह जुड़ती है। एक पासे कौमी इंसाफ मोर्चा बंदी सिंह की रिहाई का जिक्र कर रहा, उन्होंने मंग कर रहा, और उहदे विच 9 बंदी सिंह दे नाम का जिक्र है, जिन्हां दे विचों एक नाम गुरदीप सिंह खेड़ा का भी सी। एक पासे उन्हां दी सज़ा मुआफ़ी का जिक्र हो रहा है कि वह सज़ावां अपनियां कट चुके ने, उन्हां नूं बाहर किया जाए, जेलां तों बाहर लिया जाए, अपने घरां दे विच भेजा जाए, और दूजे पासे उन्हां नूं पैरोल मिलती है। तो ये हुण सवाल खड़े ये हो रहे ने कि सवाल ये खड़े हो रहे सवाल उहदे ते ये खड़े हो रहे हैं कि जे एक पासे उधर मोर्चे की मंग हो रही थी तो फिर गुरदीप सिंह खेड़ा इकल्ले बार किवें आ गए। इस सारे मसले के उत्ते असी गलबात करनी है, और साडे नाल इस मुद्दे के उत्ते गलबात करन दे लई हरमीत सिंह जुड़नगे। हरमीत सिंह का सब तो पहला स्वागत करते हैं। हरमीत, की कोई जानकारी है इस मसले के उत्ते? अज गुरदीप खेड़ा बाहर आ गए ने, उन्होंने पैरोल का जिहड़ा जिक्र किया है कि मैंने 2 महीने की पैरोल दिती गई है, और ये पैरोल आम पैरोल दे मंग हुई है जिवें बाकी कैदियों नूं दिती जांदी है। होर जिहड़ियां गल्लां इन्हां ने कौमी इंसाफ मोर्चे नूं लैके कीतियां या फिर इत्थे आउण या ना आउण नूं लैके कीतियां, उस तमाम मसले दे बारे जानकारी दिओ जो अज तुहाडी उहनां नाल मुलाकात हुई, उस तों बाद तुसीं सवाल जवाब कीते, और जो उहनां ने गल्लां उस सवाल जवाब दे दौरान कीतियां ने उह सारियां तफसील दे नाल साडे दर्शकां नूं दस्सिओ। जतिंदर, बंदी सिंघां दी रिहाई दा जो सिलसिला चल रहा लंबे समय तो चल रहा, तो हर जथेबंदी इकट्ठे होकर चाहती है कि हर एक बंदी सिंह रिहा होण। एक पासे एस जी पी सी जिन्हें भी गुरुद्वारे एस जी पी सी के अधीन आते हैं उस सारे पासे होर्डिंग्स ला के ते लोकां नूं संगतां नूं जाणू करा रहे हैं कि बंदी सिंह किहड़े किहड़े ने, किहड़ियां अपनियां सज़ावां पूरियां करन दे बावजूद जेलां विच बंद होए हुए हैं। पर अज असी भाई गुरदीप सिंह खेड़ा उन्होंने गलबात की है। जल्लूपुर खेड़ा पिंड है, यही पिंड है जिहड़ा पिंड भाई अमृतपाल सिंह दा वारिस पंजाब दे मुखी दा। और सब तो पहला असीं बंदी सिंघां दी गलबात करांगे कि बंदी सिंघां दा जो मोर्चा लगा होया उस मोर्चे दे विच शामिल भाई गुरदीप सिंह खड़ा नहीं होणगे। उन्होंने कहा कि मैनू किते ना किते सरकार वल्लों जां मैनू पुलिस वल्लों इह हदायत मिली है कि कोई ऐसे प्रोग्राम विच शामिल नहीं होना जिस तों बाद कि माहौल गरमा सके। तां 8 तरीक नूं बाहर आए ने, 6 फरवरी नूं पैरोल मिली सी, 2 महीने दे लई पैरोल ते बाहर आए ने भाई गुरदीप सिंह खेड़ा। ते गलबात करन दी कोशिश कीती आ ते जाणे आ कि की मुद्दे ने अंदर, होर नाल कौन कौन है ते बाकी किहना किहना साथियां नाल गलबात हुंदी। उहनां दा कहना कि मेरे नाल अमृतसर जेल दे विच जो बंद ने दविंदरपाल सिंह भुल्लर, दविंदरपाल सिंह भुल्लर जेल दे विच घट रहिंदे ने ते हस्पतालां विच वध रहिंदे ने क्योंकि दिमागी जो हालत है वह नाजुक है, खराब है, लगातार जेरे इलाज के वास्ते डॉक्टर को भर्ती करना पैंदा। सो जिस दे चलदे आ भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर भी दिल्ली तो इत्थे लिआंदे गए सी अमृतसर पंजाब दे विच, और भाई गुरदीप सिंह खेड़ा भी 2015 के आसपास शिफ्ट होए सी करनाटका तो पंजाब अमृतसर दे विच। तां उस तो बाद पैरोल मिली सी 2016 दे विच, तां हरिमंदर साहब गए सी। उह पुरानियां जो तस्वीरां सांझियां हो रहियां ने अज न्यूज़ चैनलों पर, तो उही तस्वीरां दी असी सच्चाई जानन वास्ते पहुंचे सां, उही सारी गलबात पुछण वास्ते पहुंचे सां कि की मसला की लगता है। बंदी सिंघां दी रिहाई दे वास्ते हर कोई जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष लड़न की गल करता, वड्डे वड्डे दावे करता, और एक वड्डियां स्पीचा भी होंदियां ने, तां सच्चाई की है? उन्हां दा कहना कि मैनू जमीनी तौर पर गल करां तां मैनू कोई नहीं मिलता। और जतिंदर, एक वड्डी गल पता लगी है कि भाई गुरदीप सिंह खेड़ा होना दे घर कोई संतान भी नहीं है। उन्होंने धर्मपत्नी नाल गल हुई, उन्होंने कहा कि मैं पिछों कली रहनी हाँ, काम के वास्ते आना जाना हुंदा ते मैं कली सारा गुजारा कर रही हाँ, बाकी पिंड दे विच सारे जो मेरे नाल सही वर्तारा करते ने सारे मैनू मदद देंदे ने। तो भाई गुरदीप सिंह खेड़ा होरी जेल तो बाहर आते ने तो अपने पिंड जद्दी पिंड जल्लूपुर खेड़ा रहे ने। जल्लूपुर खेड़ा विच साडी गलबात यह हुई है, उन्होंने कहा किवें लगता है बंदी सिंह रिहा कदों हो सकते हैं, किवें हो सकते हैं? उन्होंने यही किया कि जे असी कानूनी चलते हैं, जे असी शांतमई ढंग नाल चलन की गल करते हैं तो यह किते भी औखा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिंह ही रिहा करन की मंग ना करो, वो शख्स भी रिहा करन की मंग करो जो सज़ा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी धर्मां दे भी काफ़ी जो लोग अंदर ने जो 15 तो उपर साल हो गए ने, उन्होंने सज़ावं पूरी हुई
वह बेचारे अंदर बैठे हुए ने, उन्होंने भी चाहिए कि कितने ना कि उन्होंने गल की जाए, एक मनुखी अधिकार की गल की जाए कि एक मनुखी अधिकार है। उन्होंने कहा कि मेरी सज़ा 20 साल की सी उम्र कैद के आस पास, तो मैं हूँ 32 साल हो गए ने, तो 12 साल वध समा जेल कटिया, जदों की लगातार ये मंग उठ रही है कि बंदी सिंघां नूं रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि SGPC सी एक पासे अपना वक्खरा वड्डा कदम चुक रही है, दूसरे पासे जथेबंदियां खड़ियां ने। तो बीते समय जतिंदर जो घटना हुई सी मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच, उन्होंने उस गल की निखेधी की। उन्होंने कहा कि असी इस मोर्चे विच शामिल होए हाँ, साडा मसला एक होना चाहिए, बंदी सिंह रिहा कर। तो आम मसले या नशा हो गया या बाकी गुरु साहब की बेअदबी का मसला हो गया या बाकी मसले हो गए, उन्होंने कहा जी असं सारे मसले कट्ठे चुकांगे तो शायद कितना कितने जिहड़ा वड्डा मसला आ वह रह सकता है। उन्होंने कहने का भाव यह सी कि जे असी बंदी सिंह की रिहाई का मोर्चा लाया होया तो उन्होंने गल की जाए, उस तो अलावा कोई गल नहीं की जाए। तो नंबर दो गल करा तो उन्होंने भी गल आखी है कि मोर्चे के शांतमई ढंग नाल बहना बहुत जरूरी है। बीते समय जो झड़प हुई है पुलिस के नाल, सो कितना कि काफ़ी लोगों के मन के एक बुरा असर भी पिया, क्योंकि दोवें धिर की आपस के झड़प हुई है। जिस तरीके निहंग जथेबंदियां प्रदर्शनकारी पुलिस के हथियार चक के वीडियोस वायरल होंदिया ने, तो कोई ना कोई एक गल जरूर आखदा है कि इस तरीके क्यों किया जा रहा है। भाई गुरदीप सिंह होरां दा भी यही कहना कि जे मोर्चे विच गए हो बंदी सिंह रिहा करन दी गल करदे हो, जे शांतमई ढंग नाल मोर्चा लाउण दी गल करदे हो, तो फिर उत्थे शस्त्र लैके जाण दी की लोड़ सी, शस्त्र लहराण दी की लोड़ है, क्योंकि असीं शांतमई ढंग नाल रहना। सो ये बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं कि एक बिल्कुल बिल्कुल उल्ट गल की है। उन्होंने भी किया कि मोर्चे के मैं कोई फिलहाल मिलने तक नहीं आया, ना किसी ने रबता करने की कोशिश की है। हाँ मैं नहीं जावगा उ मैनू भी कोई हदायत ने पुलिस वालों या प्रशासन। ठीक है हरमीत, जुड़न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा गुरदीप सिंह खेड़ा पैरोल के उत्ते बाहर से, तो उन्होंने नाल गलबात हुई है और दस दिए कि तकरीबन 32 साल तो ये जेल के बंद ने, अपने सजावं भी कट चुके हैं, पर इस दे बावजूद हाले तक रिहाई नहीं हो सकी और 9 बंदी सिंह दे विच इन्हां दा नाम भी शामिल सी। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।